और ख़ासकर ये सोशल मीडिया जब से आया है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, तो उसके बाद तो लैंग्वेज की तो वाट लग गई है। रिपीट करके फिर अपना पेज मत खोलिएगा, उसमें कमेंट बॉक्स बिल्कुल मत खोलिए, नहीं तो आपका बीपी शुगर बढ़ने वाला है। 2 रुपया के किराए वाले रहते हैं और उसके बाद उनकी भाषा देखिए। भूपेश जी, आपने जो जवाब कर लिया, वो ट्वीट आपने जो किया था, तो उसमें आपने बोला कि मोदी जी को और अमित शाह जी को धन्यवाद एक अमूल्य तोहफे के लिए, जो ईडी वाला तोहफा। आपको क्या लगता है कि आजकल जो हम लोगों की बातचीत का तरीका है, पॉलिटिक्स की जो बातचीत है, उसमें से ये चीज जा चुकी है? हाँ, बात तो सीधा आज की राजनीति जो है, और खासकर ये सोशल मीडिया जब से आया है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, तो उसके बाद तो लैंग्वेज की तो वाट लग गई है। पहले भाई प्रिंट मीडिया मीडिया थे, अब प्रिंट मीडिया में जो पत्रकारिता करते हैं वो बड़े या तो साहित्यकार होते थे या विचारक होते थे, तो ऐसे लोग इस क्षेत्र में आते थे। फिर जैसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया, तो उसमें फिर भाषा की गिरावट होना शुरू हुआ, और जब से व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी आया है तब से स्थिति ये है कि उसको आप ट्वीट करके फिर अपना पेज मत खोलिएगा, उसमें कमेंट बॉक्स बिल्कुल मत खोलिए, नहीं तो आपका बीपी शुगर बढ़ने वाला है। आपने एक बार ट्वीट कर दिया उसके बाद भूल जाइए कि आपने क्या ट्वीट किया था, उसको मत खोलिए। इतनी गालियां रहती है, शब्दों का चयन तो दूर की बात है, मतलब वो 2 रुपया के किराए वाले रहते हैं और उसके बाद उनकी भाषा देखिए। तो लेकिन इससे जो बात पहले कही जाती थी आज भी समसामयिक है कि बुद्धिजीवियों को पलायन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये आपकी आपका भाग्य है कि पहले लोग थे, यदि नेहरू जी की बात करें तो लोहिया जी उससे लड़ते थे, तो ये लोहिया जी का भाग्य था कि नेहरू जी जैसे प्रतिद्वंदी उसके सामने थे। बाद के कार्यकाल में देखें तो ये उनका सौभाग्य है कि उनको कभी इंदिरा जी या जयप्रकाश नारायण या और दूसरे नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी उनके सामने होते थे।